कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हे नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गौतम द लॉ ऑफ प्रोटेक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में और लगाने वाला हूं सबको एक डांट और एक फटकार, क्योंकि ये चीज जरूरी है। चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, थंबनेल आपने देख लिया कि यूनिवर्स बहरा नहीं है। इसका अर्थ क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने 555 मेथड यूज़ कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक यूज़ कर ली, तो ऑलवेज आप एक चीज़ सोचते रहते हो, पता है क्या, ये टेक्निक यूज़ कर लूँ शायद यूनिवर्स को मेरी बात सुनाई देगी, ये टेक्निक यूज़ कर लूँ शायद यूनिवर्स को सुनाई देगी, या आप सोचते हो थोड़ा जोर से चिल्ला लूँ, मैं चिल्ला लूँ जोर से तो यूनिवर्स सुन लेगा मेरी बात। अरे मेरे भाई, मन के अंदर बोल लोगे ना, मन के अंदर फिर भी आपका आपकी जो बात है, आपकी जो इच्छा है, वो यूनिवर्स सुन लेगा। क्यों? यूनिवर्स बहरा नहीं है। आपको आपकी गड़बड़ पता है कहाँ होती है, सबसे पहला स्टेप ही आप गड़बड़ कर देते हो, गोंडूगोल कर देते हो। पहले स्टेप में पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आस्क। मांगने से पहले ही इतने सारे डाउट्स में आप घिर जाते हो, तो मांगने के लिए वो मनोस्थिति ही नहीं बन पाती, आपका माइंडसेट ही नहीं बन पाता कि आप उस माइंडसेट से मांग पाओ। मांगते वक्त मन के अंदर विश्वास होना चाहिए कि मुझे मिलेगा। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से, क्या मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर सकते हैं परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स, वही कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे वीडियो में मैंने यूनिवर्स, परमात्मा, यूनिवर्स, परमात्मा कहा है। एक वीडियो आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आखिर भैया ये यूनिवर्स कौन है, एक्सप्लेन करूंगा। अभी टॉपिक पे रहते हैं। तो क्या आपका क्या कहा था मैंने, उसी से मांगना है जो खुशी से दे और किसी से ना कहे। मन में भी अगर आपने एक बार मांग लिया ना, तो पहले मनोस्थिति बनानी पड़ेगी। अब मैंने क्यों आज का ये वीडियो बनाना चाहा दोस्तों, क्योंकि आप मांगते वक्त हरकतें ही ऐसी करते हो, मांगने के बाद ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सॉरी मांगने के बाद जो हरकतें होती है ना, इसी कारण से मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहता, आपसे दूर भागता रहता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी छोटी भी चीज़ में बात क्यों ना करूँ आपसे। देखिए बड़ा सिंपल है, एक बार फिर से बेसिक से शुरू करते हैं, फटकार लगाऊंगा लेकिन सिखाना भी तो कर्तव्य है, गुरु हूं आपका, सिखाऊंगा भी आपको। बहुत सिंपल है, सबसे पहले मांगो। मांगो कैसे मांगा जाता है, ईश्वर से, यूनिवर्स से। वेस्टर्न कल्चर छोड़ दो, वेस्टर्न में जो भी आपने और कोई भी वीडियो में देखा होगा कैसे ये नहीं, बहुत सीधी बात करूंगा, देसी बात कहूंगा। सबसे पहले मन में होनी चाहिए प्रार्थना, मन में होनी चाहिए कृतज्ञता। कृतज्ञता शायद बहुत हैवी वर्ड लग रहा होगा हिंदी का, थैंकफुलनेस होनी चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि कम से कम मुझ में बुद्धि तो दी प्रभु आपने कि मैं आपसे मांग पाऊँ। तो सबसे पहले मन के अंदर होनी चाहिए ये पॉजिटिव फीलिंग्स, प्यार होना चाहिए। प्यार व्यार नहीं हो रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। कृतज्ञता तो व्यक्त करो कि कम से कम मैं ये सोचने लायक हूँ। उसके बाद एक प्रार्थना कर दो, मैं अच्युतम केशवम गाता हूँ। स्कूल में प्रार्थना सीखे हो, पहले शायद कभी नहीं गाई तो अब गा लो, एक प्रार्थना गाओ अच्छे से। उसके बाद यूनिवर्स से, ईश्वर से, परमात्मा से सिर्फ एक बार मांगो। मांगने के तरीके बताता हूँ, या तो मुंह से मांगो, मन में मांगो, लिख के मांगो, या तो एक लेटर लिख दो, इच्छा लिख दो, उसको लिखने के बाद एक घर के कोने में रख दो, रोज रोज जाके चेक नहीं करना है। आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, डिलीवरी में उतना ही वक्त लगेगा। अगर आप बार बार फोन करके हैरान करोगे, परेशान करोगे कब तक होगा कैसे होगा, सामने वाला इंसान भी, अगर डिलीवरी में ऐसा होता है ना भाई, कोई डिलीवरी बॉय है, आपने 10 बार फोन कर दिया सामने वाले को, तो वो आप पे गुस्सा करेगा ना, क्यों, वो भी आफ्टर ऑल एक इंसान है, उसको भी बहुत सारे पार्सल डिलीवर करने होते हैं, वो भी नहीं चाहेगा कि आपका पार्सल डिले हो, उसको भी ज़्यादा टाइम लगना पड़े, राइट। ईश्वर यूनिवर्स का भी ऐसा है, वो भी आपका पार्सल आप तक पहुँचाएंगे, ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारी वाइब्रेशन है, और भी बहुत सारे लोगों के पार्सल है, राइट। कई कबार क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशंस अलाइन नहीं होती हैं मांगने के कारण, क्योंकि आपने गलत तरीके से मांगा है। आपने मांगा है, समझ लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, तुरंत ही देख लिया आप कि मेरी गर्लफ्रेंड को वापस कैसे लाऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुन लिया, ये कौन सी चिड़िया है, अच्छा इससे ऐसे जादुई तरीके से आ जाता है, बस देख लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली ना, उसके बाद स्टार्ट कर दिया। कंसेप्ट ही गलत है आपका, जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे टाइम वेस्ट ही होने वाला है आपका। तो स्टिक टू द पॉइंट, बेसिक्स। अगर आपने पहली बार ही ये वीडियो देखा है मेरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहली बार जाने हो, तो भैया बहुत ईजी है अगर समझोगे तो।
और अगर नहीं समझोगे तो इतना मुश्किल जिंदगी भर करते रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा आपको। आसान तरीके से समझो, जैसे पिताजी से मांगते हो उसी प्रकार से एक बार मांग लेना है। जिद करनी है लेकिन जिद भगवान से नहीं करनी, कब तक जिद खुद से करनी है कि मेरा पार्सल गया है तो मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरी जिद है। मेरे पास मेरा मैनिफेस्टेशन आएगा, ये मेरी जिद है। उसके बाद लिखने वाली चीज़ मैंने बताई वो कर सकते हो, वो नहीं कर सकते तो सिर्फ मुंह से मांग लो। अब आता है दूसरा वाला स्टेप। दूसरा वाला स्टेप क्या है? बिलीफ, भरोसा। ये भरोसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। भरोसा कोई मापदंड तो है नहीं कि इतना करना है, इतना करना है कि इतना करना है। भरोसा यानी, और भरोसा सबसे पहले तो ये समझो उत्पन्न कैसे होगा, पैदा कैसे होगा कि ये भरोसा कि वो चीज़ मुझे मिलने ही वाली है। उसके लिए आपको चाहिए एक कारण कि इस चीज़ के बिना मेरा गुजारा चल ही नहीं सकता, इस चीज़ के बिना मैं जिंदगी जी ही नहीं सकता। जब तक वो कारण उत्पन्न नहीं होगा ये भरोसा उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? तभी आप भरोसा कर पाओगे कि जब मुझे पता है कि ये चीज़ के बिना मैं जीवन जी ही नहीं सकता, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भरोसा खुद ब खुद उस चीज़ पे होने लगेगा। भरोसा यानी नेगेटिव क्वेश्चंस ऑटोमेटिक जब दब जाएंगे, आसपास की नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी, आप सिर्फ आपके गोल को देख पाएंगे, तब समझ लीजिए कि आप भरोसा कर रहे हो, यानी कि पार्सल बहुत जल्दी लाइफ में आने वाला है। और तीसरी चीज़ क्या है? रिसीव। रिसीव, ये मोड में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको लगता होगा तीसरा स्टेप तो रिसीव है, हमें करना ही कुछ नहीं है। किसने बोला आपको कुछ नहीं करना? किसने बोला आपको कुछ नहीं करना? आपको बहुत कुछ करना है। अरे जब जो चीज़ आपके जीवन में आ रही है जब आप उसे प्राप्त करोगे तो कम से कम उसे प्राप्त करने के लिए काबिल तो बनो। अगर प्यार आपके लाइफ में आ रहा है तो ईश्वर यूनिवर्स भी चाहेगा कि उस प्यार को संभालने के लिए आप काबिल बनो। आपको अब रिसीव वाले फेज में इमेजिन करनी है वो जिंदगी कि जब आपको आपका मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। कोई चीज़ है, पैसे हैं तो किसी का उधार चुका दोगे तो वो जिंदगी कैसी होगी। कोई नई गाड़ी ले लोगे तो उसकी तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। कोई पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। माँ बाप नहीं मान रहे, जब वो मान गए तो शादी कितने धूमधाम से होगी। रिसीव वाले स्टेप में ये चीज़ सोचनी है। हम क्या कर लेते हैं? हम तो गोंडूगोल मार देते हैं, हम तो दूसरे वाले स्टेप में ये चीज़ सोच लेते हैं क्योंकि हमने अभी अभी नाम सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। चलो आपने 5 साल से भी सुना है, पर बेसिक्स जो आज मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आज ये वीडियो देखने के बाद। अब ये 3 स्टेप समझ लिए आपने क्या करना है, एक बार रिवीजन करवाऊंगा। छोटा सा चैलेंज ये आपके लिए, वीडियो खत्म होते ही कोई भी छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करो, चाहे 1 रुपया मैनिफेस्ट करो। चलो 1 रुपये का चैलेंज ले लो, 1 रुपये 10 रुपये से छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करके देखो, विदिन 48 आवर्स में आपको मिलेगी। नहीं मिले तो कमेंट में आके बिंदास गालियां बक देना, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा ध्येय बस एक ही है कि आपके दिमाग से मत्थे से कन्फ्यूजन दूर करके ज्ञान की वृद्धि करो ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बन जाए। रिवीजन करवाता हूँ क्या करना है। ईश्वर से प्रार्थना करो। फनी लग रहा होगा 1 रुपये 10 रुपये लिए क्यों करो? अरे करो भाई, क्यों नहीं करो? इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की हिम्मत आएगी। करो, अगर जीवन बेहतर नहीं खूबसूरत बनाना चाहते हो तो करो। वो श्रोतांगन जरूर करेंगे जिनको उनकी उनकी ज़िंदगी से प्यार है, जो चाहते हैं वास्तव में कुछ करना, जो टाइम पास करना चाहते हो, तो भैया उनका तो क्या ही कर सकते हैं, समझे। चलो रिवीजन क्या है। स्टेप नंबर 1, मन के अंदर कृतज्ञता रखे कि शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और फील करना। भाई अंदर से लिटरली बोल रहा हूँ, कायदे सर बोल रहा हूँ, फील करना, आँखों के लिए फील करना, जिस आँखों से ये वीडियो देख पा रहे हो, फील करो इस चीज़ को कि कितने खुश नसीब हो आप। फील करने के बाद प्रार्थना गाओ, भगवान को प्रार्थना में बताओ कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ चल रही है, मुझे क्षमता देना, दुख आए तो मुझे ताकत देना। जो प्रार्थना आपको मोटिवेट करे वो प्रार्थना गाओ, उसके बाद अपनी इच्छा बोल दो या लिख दो, 24 घंटे में मुझे 10 रुपये मिलेंगे, या मतलब सॉरी 24 घंटे में मैं 10 रुपये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि वो प्रकट करना चाहता हूँ मैं। मैनिफेस्ट का हिंदी शब्द होता है प्रकट, बहुत सारे मेरे श्रोतागण को नहीं पता होगा मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट कहते हो, मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट होना, सडनली वो आ जाती है, राइट। तो मैं प्रकट करना चाहता हूँ 10 रुपये मेरी ज़िंदगी में, 1 रुपया मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद अब क्या आता है कि बिलीव कि हाँ ये पैसा मेरे पास आ चुका है। वो कब होगा? रीज़न कि अगर ये मैनिफेस्टेशन, ये सक्सेस हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। बस आखिरी स्टेप रिसीव। अब वो 10 रुपये आएंगे तो फिर कैसा होगा? 10 रुपये का मैं क्या करूँ? लिटरली सोचना भाई, 10 रुपये का क्या करोगे? बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होती तो खाली इतना सोच लेना कि 10 रुपये आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो 7वें आसमान पे होगा। साला 10 रुपये किया है, कल 100 रुपये करूँगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा, कर लूँगा, कुछ तो उखाड़ लूँगा मैं, राइट। तो बस ये 3 चीज़ें आपको करनी है, फिर कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या हुआ, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर एक भी श्रोतागण ये चीज़ कर लेगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा।
बस मेरा मकसद क्या है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बने। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं ऋषभ गौतम दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से मुलाकात होगी मेरी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।